हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करेगी कांग्रेस। महासचिव प्रियंका गांधी को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। स्टीयरिंग कमेटी की बैठक के बाद किया ऐलान। स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेताओं से मांगी रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, नफरत के खिलाफ लड़ना ही हमारा कर्तव्य। संसद सत्र के लिए कांग्रेस ने तैयार की मुद्दों की लिस्ट। बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण के मुद्दों को उठाएगी पार्टी। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे खड़गे, कांग्रेस ने लिया फैसला। कांग्रेस अध्यक्ष बनने से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस्तीफे का किया था ऐलान। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का आखिरी दिन आज। आज शाम को राजस्थान के झालावाड़ में करेगी प्रवेश। भारत जोड़ो यात्रा का आज 88वां दिन। भारी संख्या में यात्रा में शामिल हुए लोग। भजन गायक प्रहलाद सिंह टिपानिया ने भी राहुल गांधी के साथ किया पैदल मार्च। शिवपाल यादव को खाली करना पड़ेगा बंगला। विधायक आवास में होना पड़ेगा शिफ्ट। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दी जानकारी। एमसीडी चुनाव के लिए वोटिंग जारी। दांव पर लगी दिग्गजों की साख। 7 दिसंबर को आएंगे नतीजे। आज मनाया जा रहा है नौसेना दिवस। इस खास मौके पर तीनों सेनाओं के प्रमुख ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। जारी होने वाली है सीबीएसई 10वीं 12वीं बोर्ड की डेट शीट। फरवरी से शुरू होंगे एग्जाम। वेबसाइट cbse.gov.in पर जारी होगी डेट शीट। प्रदर्शनकारियों के आगे झुकी ईरान की सरकार। हिजाब को लेकर दशकों पुराने कानून में होगा बदलाव। पिछले 2 महीने से ईरान में हिजाब पर हो रहा है विरोध। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने पीएम मोदी के साथ तस्वीर ट्वीट करके कहा, दुनिया में शांति लाने के लिए सभी देशों को एकजुट करेंगे पीएम मोदी। इमरान खान के साथ टकराव को खत्म करना चाहते हैं पाक पीएम शहबाज शरीफ। इमरान खान की पार्टी को दिया बिना शर्त बातचीत का न्योता। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को वल्गर कहने वाले नदाव लेपिट के समर्थन में आए अन्य जूरी मेंबर्स, कहा ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। अंधाधुंध निजीकरण की भारी कीमत चुका रहा है ब्रिटेन। 70% से अधिक पानी पर निजी स्वामित्व, जनता है परेशान। ओयो में 600 कर्मचारियों की छटनी। कंपनी बोली, हटाए गए लोगों के लिए बेहतर नौकरी सुनिश्चित करेंगे। एलआईसी ने शुरू की व्हाट्सएप सर्विस। अब लोगों को घर बैठे मिलेगी प्रीमियम ड्यू पॉलिसी स्टेट्स और लोन से जुड़ी जानकारियां। भारत बांग्लादेश वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज। मीरपुर क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमें हैं आमने सामने। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का किया फैसला। तकलीफ के दिनों को याद कर रो पड़े आमिर खान। एक इंटरव्यू के दौरान आमिर खान बोले, अब्बा को देखकर बहुत तकलीफ होती थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी आज लेंगी बॉयफ्रेंड सोहेल कथूरिया संग 7 फेरे। मेहंदी सेरेमनी में मंगेतकर संग थिरकती दिखी हंसिका। सोशल मीडिया पर तस्वीरें हुई वायरल।